नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएससी बीएड बीए बीएड के अंदर जो आपके बीएड वाले पेपर होते हैं, यानी साथ में आपके बीएससी के भी होते हैं और आपके बीएड के भी कुछ पेपर्स होते हैं, यानी चारों सालों में आपके कुछ इस प्रकार पेपर बंटे होते हैं। तो आप बीएड वाले पेपर्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद बीएससी बीएड किया है और मेरे बीएड वाले पेपरों के अंदर 89% हैं। तो कैसे मैंने तैयारी की है पूरी जानकारी और पूरी जो आपको मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 4 सालों का पूरा एक्सपीरियंस आपको मैं बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट बेंच था उसी के अंदर मैंने बीएससी बीएड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि देखिए बीएससी बीएड और बीए बीएड की स्टूडेंट्स की संख्या कम है, तो इसलिए लोग वीडियोज़ आपके लिए नहीं बनाते हैं। तो मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो जो व्यूज़ कम आए तो आप थोड़ा सा उनको शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में, ताकि जो नॉर्मल तरीके से चीज़ें चलती रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियोज अब आपके लिए आने वाली है तैयारी से रिलेटेड। तो देखिए अब हम बात करते हैं आपके बीएड के सब्जेक्ट आप कैसे तैयार कर सकते हैं, मैंने कैसे किए थे। हकीकत बात आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारी फर्स्ट ईयर के अंदर क्लास लगी थी बीएड की, उसके बाद आगे आने वाले 3 सालों के अंदर कोई भी बीएड की क्लास नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने जो चीज़ें पढ़कर क्या चीज़ें पढ़ी उससे 89% तक बीएड वाले सब्जेक्टों के अंदर 89 और एग्रीगेट 84% बने हैं, यानी टोटल मिलाकर 84% चारों सालों में। और बीएड वाले सब्जेक्ट्स निकालते हैं तो उसके अंदर 89% बनते हैं। तो कैसे करने हैं वो भी आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर तो हमें नोट्स बनाए गए थे, फर्स्ट ईयर के अंदर तो हमें पढ़ाया गया था, याद करवाया गया था, तो नोट्स ही पढ़े, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन बात आ गई सेकेंड ईयर के अंदर, कोई भी क्लास नहीं हुई सेकेंड ईयर के अंदर, और शायद दो या तीन पेपर थे समावेशी शिक्षा का, एक जो आपकी साइकोलॉजी होती है मनोविज्ञान अधिगम वाली, तो उसका भी पेपर था, शायद 2 पेपर थे। तो उसके अंदर कुछ भी हमें ज़्यादा क्लासेस वगैरह आई नहीं, सिर्फ बीएससी वाले ही पेपर तैयार करवाए गए। तो मैंने क्या पढ़ा, देखिए मैं और कुछ नहीं लाया, सिर्फ 1 वीक सीरीज लाया, जो चीज़ है वही आपको मैं बता रहा हूँ। 1 वीक आप मैं लाया, कोई भी 1 वीक ले आए, और उसमें से मैंने चीज़ें पढ़ी हैं। उससे होगा क्या, देखिए 2 या 3 यूनिट मैंने पढ़ी हैं, मैक्सिमम 5 यूनिट होती हैं आपके, लेकिन 2 या 3 यूनिट पढ़कर ही मैंने पेपर दिया था। और उससे होता क्या है कि आपके पास वर्ड आ जाते हैं लिखने के लिए, और ये हकीकत बात है कि बीएड वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। समावेशी शिक्षा का पेपर था मेरा, उसके अंदर मैं आपके शायद 34 पेज आते हैं कॉपी के अंदर, और एक जो 35वां पेज है वो ऐसा रफ टाइप का कुछ होता है, उसके अंदर भी मैं लिख कर आया था, 35 पेज मैंने भरे थे पूरे पेपर के अंदर, और 40 नंबर का पेपर था और 36 नंबर मेरे आए थे। तो यानी एक अच्छा खासा टोटल हमने प्राप्त किया था, केवल मात्र 2 या 2.5 यूनिट ही पढ़ी थी, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंदर ऐसा ही था, जो 1 वीक में पढ़ा, बाद में बस सभी को एक साथ पढ़ाना चाहिए, यूरोप में हुआ, भारत में हुआ, इस प्रकार जो चीज़ें आ रही थी, तो वो सारी कॉमन वर्ड थे। शब्द आने जरूरी हैं, कुछ देखो ऐसे शब्द मैंने याद कर लिए कि समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ बैठकर पढ़ाया जाना चाहिए, किसी में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, तो हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही आ रहा था, ऐसे ही भाषाएं ऐसे ही शब्द लिखे हैं, यूरोप भारत के अंदर समावेशी शिक्षा का यहाँ विस्तार हुआ। तो इस प्रकार आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं 1 वीक सीरीज पढ़कर भी। और मैंने देखिए कोई, अब देखो बीएड वाले सब्जेक्ट्स हैं तो कोई उनको काफ़ी शुरुआत से नहीं पढ़ता, लास्ट में 1 महीना होता है, उसी टाइम पढ़े थे, 2 या 3 यूनिट पढ़ी थी, और उसमें ही एक एक दो दो दिन की छुट्टी आती है पेपरों में ही, ज़्यादा उस वक्त ही पढ़ा था। तो आराम से आप चीज़ें तैयार कर सकते हैं, 1 वीक सीरीज ही आपको लानी है, और उनमें से 2 या 3 यूनिट पढ़ेंगे तो भी आपके पास वर्ड हो जाएंगे, लिखने को शब्द आ गए तो आप लिख सकते हैं, अगर शब्द नहीं है तो भी 35 पेज भरना कोई छोटा काम नहीं है, तो आपके पास वर्ड आएंगे। वर्ड कैसे आएंगे, 2 या 3 यूनिट 1 वीक सीरीज से पढ़कर। तो मैंने तो इस प्रकार ही देखिए 89% बनाए थे, और चीज़ें याद हो जाती है, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। तो देखिए इस प्रकार आप 1 वीक सीरीज ज़रूर लाएँ, उसमें पढ़ें, इतना कुछ भी हार्ड नहीं आता, शब्द हैं तो आप वही चीज़ें आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो अच्छे खासे परसेंट आपके बनेंगे। तो चलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और भी बेहतरीन वीडियोस आपको इस चैनल पर बीएससी बीएड बीए बीएड से लेकर तैयारी से रिलेटेड मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।